नौकरी और पेट भरने की बात कह तो रहे हैं, एक बार भरोसा तो कीजिए बीजेपी पर। भरोसा करेंगे? आज क्या किया, सब तो बेच दे रहा। यूनियन पोल इस बार मोदी जी की 150 सीट प्लस दिखा रहा है। अब यूनियन पोल तो बहुत कुछ दिखलाता है भैया, 2 तारीख को रिजल्ट बताएगा। मामाटी मानुस का सरकार बनेगा, मोदी जी को गुड बाय बोला जाएगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। आज कोलकाता के चांदनी बाजार में मैं मौजूद हूं और यहां पर लोगों की राय लेने आया था कि अब इलेक्शन बहुत पास आ चुके हैं तो ऐसे में वोट किसको देने वाले हैं, क्या कुछ सोचते हैं। वो तो चलिए इन्हीं लोगों से बात करते हैं और उनकी राय ले लेते हैं कि कोलकाता में इस बार क्या कुछ होने वाला है। कोलकाता में दीदी आने वाला है और कोई नहीं है। अभी मोदी उदी नहीं चलेगा, ये जात पात का राजनीति हिंदुस्तान में नहीं चलेगा, ये सब बेकार है। हम लोग का जो गंगा जमुना तहजीब है, हम लोग का भाईचारगी है, सब कुछ ऐसी है। हम लोग यहाँ पर हर कुछ कर रहे हैं, दुर्गा पूजा, काली पूजा, बहुत सा काली पूजा, दुर्गा पूजा का पंडाल का प्रेसिडेंट मुस्लिम है, बहुत सा बंगाली है, सब कुछ मिला हुआ है। ये सब बेकार बात है, ये सब भाषा, ये सब राजनीतिक नहीं चलेगा। साफ ताप धन भेद जो कर रहे मोदी जी नहीं चलेगा। तो ऐसे में मोदी जी इस बार ये कह रहे हैं कि एक बार परिवर्तन तो कीजिए, 22,000 करोड़ की लागत से कोलकाता की कायाकल्प कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, 22,000 करोड़ हो, 50,000 करोड़ हो, पहले उनको बोलिए यूपी बिहार का काया पलटे, दिल्ली का पलटे, हिंदुस्तान का पलटना उनको देर लगेगा। पहले जो जो स्टेट में है उसको पलटे। ये तो पलटा हुआ, दीदी जो काम कर दिया कोई बेटा नहीं किया, 34 साल CPM भी नहीं किया तो और ये क्या करेंगे। ऐसे में इस बार ये भी बोला जा रहा है कि चलिए पहले कांग्रेस में देखी जाती थी कि परिवारवाद देखने को मिलता था, ठीक है, लेकिन इस बार अब जो है वो TMC में परिवारवाद देखने को मिल रहा है कि अब क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बीच में छोड़ के चले जाते हैं और ये आरोप लगता है कि अभिषेक बनर्जी को ज़्यादा एक तरीके से पूछ मिल रही है और उनकी पूछ नहीं हो रही है पार्टी में। सुनिए, जो 2 लंबरी है वो पहले से दूसरा छाता ढूंढेगा कि कहीं पलट गया तो हमारा सब जायदाद कब्जा हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले से छाता ले रहा। शुभेंदु का भी हवा खराब है, सुन लीजिए, वो भी नहीं खेले। शुभेंदु देखिए वो खुद जीतेगा, वो तो इसीलिए चला गया, वो वो तो इसीलिए गया था। नहीं तो परिवार बात तो हो रहा ना TMC में, कुछ नहीं है वो सब, थोड़ा मीडिया में थोड़ा रहता है, वो मीडिया को पूरा खरीद लिया, वो मीडिया को पूरा खरीदा, मीडिया भी है परिवार। बड़ा बेटा कुछ है तो छोटा बेटा कुछ है तो यही कुछ है, तो हर घर में है, उसको क्या कीजिएगा। राजनीतिक भी नहीं होगा, इसका कोई मतलब है। लेकिन इस बार ये भी कहा जा रहा है कि चाणक्य जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह, वो खुद यहाँ मौजूद थे और तो उन्होंने बात करने की कोशिश की है। जहाँ भी चाणक्य गए हैं वहाँ पर जीते हैं, तो यहाँ भी आए हैं इस बार। तो उन लोगों का दिमाग खराब है, अमित शाह का दिमाग खराब है, जो कहा होगा इतना रुपया हम लगा दिया, इतना ही किया बंगाल में, क्या करे उसका, उन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे में ये भी देखा जा रहा है, और भी लोग हमारे संग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार बीजेपी यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की पूरी तैयारी में लगी हुई है और तमाम तरीके की व्यवस्था भी वो ला रही है लोगों के लिए, बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं विधवाओं के लिए, बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं। तो ऐसे में हर्ष का एक बार परिवर्तन तो होने दीजिए ना, क्योंकि आप लोग बोलते हैं सुनार बांगला हो रहा है, लेकिन अगर सुनार में डबल सुनार लग जाए तो क्या कुछ गलत हो जाएगा क्या? सुनार बांगला तो हम लोग अभी है, एक काम करो बांगला में बोला, चले उसको बोलो एम्प्लॉयमेंट का बारे में बात करने दे रहे हैं, रोजगार देने की बात कह रहे हैं मोदी जी। तो हर्ष क्या है, कौन स्टेट में हुआ है वो ओस्टर पहले देखिए, ये यूपी में हुआ है, राजस्थान और उसका जहाँ पर है वहाँ पर हुआ है, बताइए ना की बोल रहे हम बोल रहा है वो एक का स्टेटमेंट देखे दीजिए, वो तो कल इश्तहार निकल रहा ना, तो उस इश्तहार में कोई स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ है वो थोड़ा एक स्टेट का नाम बताइए, एक स्टेट का नाम बताइए वो जो वो इश्तिहार वो अप्लाई किया है, एक नहीं है। इसमें झूठ भूट भात बोल के इसमें वोट नहीं होगा। आदमी बहुत समझदार है, आदमी अगर बहुत समझदार है, झूठ फूट बोल के वोट नहीं कोई देगा। वो गुजरात के पहले सोनार गुजरात बनाइए, उसके बाद बंगाल का बनाएगा सोनार बांग्ला, बांग्ला का चलिए ठीक है, बहुत सीरियस है, इतना सजा नहीं है, ये बिहार का नहीं है। चलिए ठीक है, अगर आपका सुनार बांग्ला पहले सही है, अब मोदी जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम इसको और सुनार बांग्ला बनाएंगे और लाएंगे, तो आपको बंगाल हम लोग को नहीं चाहिए, जो है हम लोग आपको बंगाल का भला चाहिए या मुख्यमंत्री पद पर ममता दीदी ही चाहिए? एक सेकंड सवाल सुनिए मेरा, आपको बंगाल का भला चाहिए या ममता दीदी मुख्यमंत्री पद पर चाहिए? बंगाल तो ऐसी भला है, अच्छा है, डेवलप है सब कुछ, फिर क्या जरूरत है? अच्छा चला और डेवलप करेंगे ना ये लोग, नहीं और वो नहीं होगा और पीछे जाएगा ये लोग आएगा। दीदी जी डेवलप किया बहुत किया, अमित जी को बोलिए, मोदी जी को बोलिए, वो जो इंडिया का जो एसेट है उसको तो सब बेच चढ़ा है, तो वो इधर सोनार बांग्ला हो जाएगा ना, ये सोना उसको बेच देगी, तो वो सुनार बांग्ला हमको नहीं चाहिए। वो गुजरात में जो सुनार चोरी करके लोग भाग रहा है ना, उसको लेके थोड़ा इंडिया में के आने के लिए बोलेंगे, वो सुनार बांग्ला हमको नहीं चाहिए।
ठीक है। और ये सोनार बांग्ला ज़्यादा मिलेगा ना तो वेस्ट बंगाल का आदमी लोग भिखारी हो जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन इस बार बीजेपी इस बात का भी जिक्र कर रही है कि जो हुगली नदी के जो तट हैं, घाट हैं, वहाँ पर गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा, तो इसमें हर्ष क्या है? जब इतना कुछ करने की वो बात कह रहे हैं, एक बार भरोसा कीजिए ना, भरोसा कीजिए ना। पहले उसे बोलेगा, सब बोलेगा। आइए, और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप जो क्वेश्चन किया ना, उसमें आपका पेट में खाना आ जाएगा। वो जो गंगा पार में आरती होगा, सब होगा, अच्छा लगेगा। अरे दाड़ाऊंगा, इसमें आपका पेट में खाना आ जाएगा। वो पहले कीजिए, उसका खाना का अरेंजमेंट कीजिए। बेकार आदमी को 45 इयर्स में सबसे ज़्यादा बेकारी इंडिया में है। अरे कोविड में, अभी कोविड बढ़ गया है तो अगले महीने में वो लॉकडाउन करना पड़ेगा। उसके लिए उसका क्या योजना है उसको बोलने बुझिए। ऐसा बात बोल के मानुष को हटाने का कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन आपने भी खाने पीने की बात की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया है कि रसोई योजना लाई जा रही है जिसमें 5 रुपए में खाना मिलने वाला है, और सस्ता भी हो सकता है। उसको देना ना, उसके देने का कोई जरूरत नहीं है। उसको बोलिए काम दीजिए, काम दीजिए, हम खुद काम करके खाना खाने को। उसको वो हमको क्या भिखारी है ना कि 5 रुपया दे लो खा लो, उसमें क्या है? वो तो चार बेच के तो बड़ा हुआ है। तो उसका उसे देखिए, उसका ड्रेस देखिए, उसका चाल चलन देखिए। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं। जी जी जी, आरती का जो बात बोले, बनारस घाट में तो आरती हो रहा था, उससे क्या हुआ? आरती होने से नहीं होगा, पेट भरना पड़ेगा, नौकरी देना पड़ेगा। तो नौकरी और पेट भरने की बात कह तो रहे हैं, एक बार भरोसा तो कीजिए बीजेपी पर। भरोसा करेंगे? आज क्या किया, सब तो बेच दे रहा। आइए आइए, और भी लोग हैं। चाचा जान, चाचा जान, इस बार वोट किसको दे रहे हैं? बांग्ला बोलो, বাংলা নেই, হিন্দি মে বাত করতে হামে হিন্দি আতি হ্যায়, বলতে পারবো না। পশ্চিম বাংলায় মমতা ব্যানার্জি আছে, ফের থাকবে। ইস বার প্রধানমন্ত্রী মোদি পর ভরসা তো কিজিয়ে। ও প্রধানমন্ত্রী কেরমে গয়ে খতম জাতা। ইস বার মোদিজি পর ভরসা আপ লোক কিউ নি কর রহে হ্যায়? কি মোদিজি পর ভরসা নেই কর রহে বলিয়ে, কিউ নি কর রহে? ভারতবর্ষ সব তো বিক্রি হয়ে গেছে। আর আছে কিছু ভারতবর্ষে? কিছু আছে? হ্যাঁ, সাম্প্রদায়িক কিছু নেই আর আনা যাবে না। इसी तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद जीशान। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोलकाता के रहने वाले हैं। इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? टीएमसी, मामाटी मानो जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी इस बार कई वादे कर चुकी है, तो एक बार परिवर्तन कर लीजिए। परिवर्तन वादे तो पूरे इंडिया में कर चुकी है। 15 लाख आपके अकाउंट में आया, मेरे अकाउंट में आया, 15 लाख किसी अकाउंट में आता नहीं है। ये जुमले मोदी जी खाली जुमला देते हैं और पूरे इंडिया को जुमला देते रहते हैं। लेकिन अपोनियन पोल इस बार मोदी जी की 150 सीट प्लस दिखा रहा है। अपोनियन पोल तो बहुत कुछ दिखलाता है भैया, 2 तारीख को रिजल्ट बताएगा। मामाटी मानुष का सरकार बनेगा, मोदी जी को गुड बाय बोला जाएगा। जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा हूं, हर एक इलाके में क्या कुछ हो रहा है, लोगों की क्या कुछ सोच है, वो भी आप तक पहुंचाई जा रही है। फिलहाल अब जो उसका रिजल्ट आएगा वो तो अब 2 मई को आएगा, लेकिन ऐसे में ये देखने वाली बात ज़रूर हो जाएगी कि लोग अब किसको वोट देने वाले हैं, क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी को दिया जाएगा, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं कि TMC को भी दिया जाएगा। लेकिन लोगों को अब भला कौन करेगा, ये ज़रूर समय बताएगा। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।